वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि ट्रिपल एससी भर्ती जांच के बीच जी हां एसएसपी एसटीएफ का तबादला हो गया है। कहां पे हुआ है पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और क्या इसके कारण हो सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेर बदलाव निकल के सामने आ रहा है। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, साथ ही 3 अन्य पुलिस अधिकारियों के भी ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह आईपीएस आयुष अग्रवाल को एसएसपी एसटीएफ बनाया गया है, वहीं आईपीएस अजय सिंह को हरिद्वार जिले का एसएसपी बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी ट्रांसफर की लिस्ट है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड ये गृह अनुभाग की ओर से आप देख सकते हैं कि नंबर 2 पे आप देखेंगे कि श्री अजय सिंह आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, और अब वर्तमान में उनकी तैनाती जहां पर कर दी गई है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार। अब यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि जब जांच चल रही थी तो जांच के दौरान ही ऐसी क्या आन पड़ी कि एसएसपी एसटीएफ को जो है तुरंत तबादला कर देना पड़ा हरिद्वार, और नए जो आईपीएस हैं उनको जो है कार्यभार संभाला पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ा सवाल उठता है। और आपको याद होगा कि लगातार जब 42 लोगों को गिरफ्तार एसटीएफ ने किया था तो बड़ी वाहवाही जो है एसटीएफ की हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोग जमानत पे बाहर आने लगे, अभी तक 18 लोग ऑलरेडी जमानत पे बाहर निकल गए हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एसटीएफ की भी जो है यहाँ पर बड़ी किरकिरी हो रही थी, उसके अलावा सरकार की भी यहाँ पर जो है किरकिरी हो रही थी। तो शायद इसका शायद भुगताना जो है एसएसपी को शायद पड़ सकता है या पड़ा होगा, वो तो सरकार ही अधिक डिटेल में बता सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।